ऊना विधानसभा के ऊना शहर की आज मीटिंग थी। नगर परिषद के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्लस पार्टी के कार्यकर्ता। अभी जो पीछे हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ है, वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को ऊना से जिता करके भेजा, मुझे विधायक बनाया। उसके नाते धन्यवाद के लिए जहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो इन सब लोगों का धन्यवाद किया गया। और आगे लोकसभा के चुनाव हैं लगभग 1.5 वर्ष के बाद, उन लोकसभा के चुनावों की तैयारी के लिए अभी से कमर कसने के लिए बोला गया है। और आने वाले लोकसभा के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा लीड ऊना विधानसभा क्षेत्र से आए, इसकी हम सब लोग इकट्ठे होकर के प्लानिंग बनाएंगे। और दिल्ली में फिर से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए ज़रूरी है कि ऊना विधानसभा और हमीरपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके जाएं, एमपी बने। पहले भी हम लोगों ने लगातार 4 बार हम राज्य को जिताया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी जीते, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आज सब कार्यकर्ता जहां पर आए, इसलिए इन सब लोगों की मेहनत के कारण ही मैं जीता हूं और विधानसभा के अंदर पहुँचा हूँ। आगे भी ऊना के विकास की बात को हम लोग उठाते रहेंगे। और कांग्रेस सरकार ने जो काम रोके हैं उसकी हम लोग निंदा करते हैं कि सारे काम रोक दिए, टेंडर प्रक्रियाएं रोक दी, पेमेंट्स रोक दी, और अनेकों काम 100 करोड़ के काम ऐसे हैं जो ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए पैसा बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उन कामों को भी इन्होंने रोक दिया है कि टेंडर नहीं करना है। पहले उसमें हम लेट हो गए हैं, जैसे न्यू ओपीडी ब्लॉक ऊना हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर ऊना हॉस्पिटल, और सीसी जो यूनिट 25 करोड़ रुपये का ऊना हॉस्पिटल, और इस तरह से सेकेंड फेज ऑफ ऊना सेक्टेट, उसकी आगे DPR बढ़नी है, उसको हमने आगे तोड़ करके बढ़ाने की योजना बनाई है। अब आगे देखते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या करती है, सारे काम रोक देती है या उसको आगे करती है, उसी हिसाब से हमारा स्टैंड आगे क्लियर होगा।